आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए कुल मिला के पहली बात तो एक केमिकल रिएक्शन होती क्या है। जनरली अगर मैं बात करूँ बेटा, कोई भी एटम्स होते हैं या एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो उस बॉन्ड के जरिए एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर मैं फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता दूं कि अगर कार्बन है, ठीक है, एटमोसफियर में और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन अगर रिएक्ट करेंगे एटमोसफियर में तो आप सभी को पता है CO2 गैस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ये क्या करेंगे जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप ऐसे मान सकते हैं ये कार्बन है ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एक नया क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो इस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं, CO2 कह रहे हैं, है ना भाई। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, जो आपका वन साइडेड रहेगा उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट, और इस साइड को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब हम समझते हैं कि कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। टोटल 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारे सिलेबस में दी गई है। पहली कौन सी है, पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का था। यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको हम कंबाइन करते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों की स्कूल वगैरह में भी होता होगा कि क्या करते हैं, दो अलग अलग क्लासेस हैं, है ना, उसको कंबाइन कर दिया जाता है, जैसे कभी टीचर वगैरह नहीं आते तो ये सारी चीजें रहती है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है कि आपके दो एलिमेंट्स हैं, है ना भाई। जनरली क्या होता है, दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स को क्या कर दिया जाता है, कंबाइन, तो अपना है, क्या बन जाता है, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है यार, क्या कि दो अलग अलग एलिमेंट पड़े हुए थे वो दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है, कंबाइन हो गए जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप लोग डीकम्पोज का मतलब पता होगा, डीकम्पोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज को तोड़ना, ठीक है ना। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर बेटा आपका प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पर हम जो रिएक्टेंट रहेगा उसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद में जो रहेगा आपको दो अलग अलग पार्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, चूना जो कि है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, है ना। जो आपको पत्थर के फॉर्म में चूना मिलता है वो चूना क्या है आपका, लाइमस्टोन, ठीक है। तो वो क्या है आपका, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसका क्या होता है, CaCO3 होता है, ठीक है। ये किस फॉर्म में होता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पता होगा चूना आपका सॉलिड फॉर्म में होता है। अब ये जो होता है, जैसे ही आप चूने को पानी के अंदर डालोगे, अगर आप लोगों ने दीपावली के टाइम पे चूना वगैरह खरीदा होगा तो पता होगा कि चूना को जैसे ही पानी में डालते हैं कुछ समय बाद उसमें एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। वो केमिकल रिएक्शन क्या करती है, कुल मिलाकर वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब उसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। हीट जो मतलब कि चूना आपने पानी में डाला, कुछ 5-10 मिनट हुए, उसके बाद में पानी में से बुलबुले निकलने लगते हैं। तो जो पानी में से बुलबुले निकल रहे हैं वो क्या है, वो CO2 की गैस है। CO2 की क्या है, गैस। पानी में से CO2 निकलती रहती है, और चूने का पानी जो होता है वो बहुत गर्म हो जाता है। कुछ समय बाद में, जैसे रात में अगर चूने भिगोया जाता है तो सुबह तक के चूने का पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसमें से हीट CO2 के फॉर्म में क्या होती है, पूरी की पूरी निकलती जाती है। CO2 और हीट क्या होती है, निकलती जाती है, क्योंकि हीट निकल रही है इसीलिए क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए आप कि जो आपका ठंडा बचा हुआ पानी है उसको हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर, चूने का पानी। तो उसमें क्या होता है, उसमें खाली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 क्या हो गया था, पहले ही निकल गया था, गैसियस फॉर्म में निकल गया, लिक्विड फॉर्म में आपका क्या हो गया, क्वाइक लाइम जो है रह गया, जिसको हम चूने का पानी कहते हैं। तो बेटा ध्यान से समझिए क्या कहा मैंने, डीकम्पोजिशन में एक सिंपल प्रोडक्ट था उसको हमने तोड़ दिया तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक क्या, क्वाइक लाइम, एक CO2। क्लियर हो गई बात, डीकम्पोजिशन में टूटते हैं, कॉम्बिनेशन में बनते हैं, ठीक है। अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है,
अब यहाँ पर समझिए आप, देखो यहाँ वर्ड से कभी भी आप जो है ना किसी भी चीज को उसके वर्ड से ही याद रखा करें। जैसे कि यहाँ बोल रहा है, मैंने आपको जैसे ये वर्ड से याद करा है, कंबाइन कॉम्बिनेशन, डीकम्पोज से डीकम्पोजिशन टूट जाना, वैसे ही डिसप्लेसमेंट। देखिए डिसप्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब होता है जगह, ठीक है ना, और डिस का मतलब चेंज करना, अपनी जगह को चेंज करने को डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपका एक और एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर मैं समझिए, ये दो आपके क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, ठीक है, रिएक्टेंट के अंदर ये दो आपकी क्या है, एलिमेंट है। यहाँ पर मैं ये जो है ये अपने एक पार्ट को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा, ठीक है, और दूसरे के साथ में यहाँ पर क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, दूसरे के साथ में क्या कर लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसने अपनी, इस वाले ने अपनी जगह को, बोलो इसने, ये जो है ये कैप ने, इस कैप ने अपनी जगह को डिस्प्लेस करा कि नहीं करा, पहले ये कैप यहाँ लगी थी, अब ये कैप यहाँ लगी है, तो जगह में क्या हुआ, चेंज आया, प्लेस में चेंज आया, तो डिसप्लेसमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने आपको समझाया, वैसे ही इसमें भी केमिकल रिएक्शन में हो रहा है बेटा। यहाँ पर देखिए आप, क्या ये आपका आयरन है, Fe का मतलब क्या होता है, आयरन, जो अपने घर में लोहे की रॉड होती है ना, उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। फिर उसके बाद ये क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपका आयरन है और ये आपका कॉपर सल्फेट है, ठीक है भाई, कॉपर सल्फेट। ये एक आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक रिएक्शन होती है, तो उसको हम कभी डिटेल में करेंगे बात, अभी आप ऐसे समझिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपका एक आयरन है, ठीक है भाई, यहाँ पर कॉपर सल्फेट है। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या होता है बेटा, ये कॉपर आपका अलग रह जाता है, ये जो सल्फेट होता है, ये सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, आपका आयरन के साथ रिएक्ट कर लेता है ना। यहाँ पर क्या है, ये जो सल्फेट है, ये सल्फेट किसके साथ रिएक्ट कर लेता है, आयरन के साथ में रिएक्ट कर लेता है, सल्फेट आयरन के साथ। जैसे ये कैप है ना, वही कैप थी ना भाई, कैप क्या कर रही थी, ये कैप अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रही थी, कैप अपनी जगह को क्या कर रही थी, यहाँ थी यहाँ आ गई, वैसे ही ये सल्फेट अपनी जगह को डिस्प्लेस कर रहा है, सल्फेट यहाँ पे है तो यहाँ से कहाँ चले जाएगा, आयरन पे। तो बेटा देख सकते हो क्या बन गया आपका, आयरन सल्फेट, आयरन अकेला था, अब क्या बन गया, आयरन सल्फेट, ये सल्फेट यहाँ चले गया चूंकि, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब इसको हम लिखेंगे आयरन सल्फेट, ठीक है। इसके बाद में बचा क्या बाहर, अब देखो बेचारा कॉपर तो अकेला हो गया ना, तो कॉपर आपका जैसा का वैसा आ जाएगा, क्लियर हो गई बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया, सेम डिस्प्लेसमेंट के जैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट में एक अपनी जगह को, एक अपनी जगह को डिस्प्लेस करके दूसरे पे चले जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ये जो है ये अपनी जगह को डिस्प्लेस करके दूसरे की जगह पर आ जाएगा, मतलब दोनों ने ही अपने अपने क्या कर लिए, शेयरिंग कर ली। देखिए यहाँ पर जैसे रेड मार्कर ने क्या कर लिया, ब्लैक की कैप ले लिया, ब्लैक मार्कर ने रेड की कैप ले लिया, है ना भाई, एक दूसरे के साथ में क्या कर लिया, शेयरिंग। ऐसे भी कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि भाई आपका एक फ्रेंड है, ठीक है ना, आपके फ्रेंड को आपने कहा कि तू आज मेरा लंच खा ले, मैं तेरा लंच खा लेता हूँ, है ना भाई, ये भी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट, दो बार हो रही है ना इसीलिए डबल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पता ही आप। तो देखिए यहाँ पर केमिकल रिएक्शन में कैसे देखने को मिलेगा, इसको ध्यान समझना, सोडियम है, ठीक है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट और यहाँ पर क्या है, बेरियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा आपके इस साइड, केमिकल रिएक्शन के पहले जो होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, तो ये आपके पूरे रिएक्टेंट हो गए। उसके बाद में याद रखिए, रिएक्टेंट के बाद हमेशा आपको एरो बताना होता है कि प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, अगर आप ये एरो नहीं बनाएंगे तो कोई मान्य नहीं होगा कि आपका प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। मेरे को कैसे पता चली रिएक्टेंट है, क्योंकि यहाँ एरो बना था, एरो इधर है, मतलब ये प्रोडक्ट होगा आपका, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं केमिकल रिएक्शन में ये जरूरी रहता है, देन अब यहाँ पर देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये सल्फेट बेटा किसके साथ चले जाएगा, ये यहाँ चले जाएगा, और ये जो क्लोराइड है ये कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, सल्फेट उधर क्लोराइड इधर, तो देखो क्या हो जाएगा, सोडियम, ये देखिए सोडियम क्लोराइड, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, तो ये बेरियम सल्फेट, समझ आया सर से। देखो एक और बात, सोडियम है Na2 और Cl2,
तो 2NaCl, इसके भी दो थे, इसके भी दो थे, तो क्या होगा 2NaCl, और यहाँ पर Ba का Ba, SO4 का SO4, मतलब हमने क्या करा, इस SO4 को Ba के बाजू में ले गए और Cl को Na के बाजू में ले गए, तो ये आपका क्या हो गया, दोनों ने डिस्प्लेस करा। वही वाली बात कि आपका मेरा फ्रेंड है, मैंने अपना लंच अपने फ्रेंड को दे दिया और उसका लंच मैंने खा लिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुई होगी चारों के चारों रिएक्शन, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।